साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है, जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दल तरह तरह के वादे और गारंटियां दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीते रविवार को आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सतना के दौरे पर थे। यहां उन्होंने बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए के मासिक भत्ते के अलावा मुफ्त बिजली, चिकित्सा उपचार और गुणवत्तापूर्ण स्कूलों के निर्माण सहित कई गारंटियों का आश्वासन दिया। केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर सत्ता में आए तो आप सरकार मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए गुणवत्ता स्कूलों का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि हम अस्पतालों में 20 लाख रुपए की लागत वाले परीक्षण और सर्जरी सहित मुफ्त इलाज प्रदान करेंगे और बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान करेंगे। उधर 17 जुलाई को मुख्य शिवराज सिंह चौहान ने शाहजहांपुर जिले में प्रदेश के पहले CM राइज विद्यालय का लोकार्पण किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि CM राइज स्कूलों में विश्व स्तरीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी, गरीबों के बच्चे फ्री में यहां पढ़ेंगे। CM राइज स्कूल मतलब शानदार बिल्डिंग, अच्छा क्लासरूम, स्मार्ट क्लास। दिल्ली मुंबई का शिक्षक स्मार्ट क्लास में ऑनलाइन बैठकर पढ़ सकेगा। वहीं प्रयोगशाला, खेल मैदान, अच्छा पुस्तकालय होगा, स्विमिंग पूल होगा। इन स्कूलों तक पहुंचने के लिए बस चलाई जाएंगी, इस बस से घर ले जाएंगे, स्कूल छोड़ेंगे। आवागमन की सुविधा, तैरने की सीख के लिए स्विमिंग पूल बनाएंगे। दरअसल राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बार 6 चुनावी गारंटियों के साथ राज्य में चुनाव के लिए उतरी है। लाडली महना के बाद कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की घोषणा कर दी। इनमें उन्हें 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था। पार्टी की तरफ से हजारों महिलाओं के फॉर्म भरवाए गए। हालांकि रविवार को मुख्यमंत्री ने लाडली बहना की राशि 1250 रुपए कर दी। इससे 3,000 तक की घोषणा मुख्यमंत्री कई बार कर चुके हैं।